कैसे हो? आशा करता हूँ कि अच्छे होंगे। टुडे वी विल डिस्कस द टॉपिक रिलेटिव प्रोनाउन एंड वेलकम टू द माय चैनल। गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी, वेलकम टू द माय चैनल बॉन्जर इंग्लिश। आई एम डीजे एंड आई विल डिस्कस टुडे रिलेटिव प्रोनाउन। सो लेट अस स्टार्ट द रिलेटिव प्रोनाउन। चूज द पेन। सो रिलेटिव बिफोर टीचिंग रिलेटिव प्रोनाउन आई विल टीच अबाउट क्लोज। रिलेटिव प्रोनाउन को पढ़ने से पहले आपको क्लोज पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि जो रिलेटिव प्रोनाउन होते हैं ना, वो एक तरह से दो क्लोज को जोड़ने के लिए कंजंक्शन का भी काम करते हैं और सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट भी बनते हैं सेंटेंस में। सो मैं पहले क्लोज से शुरुआत कर रहा हूँ कि क्लोज क्या होता है, समझ गए? एक क्लोज होता है, वो होता है अपना, एक क्लोज वो होता है जिसके पास अपना सब्जेक्ट होता है और अपनी एक मेन वर्ब होती है। एक क्लोज वो होता है जिसके पास अपना सब्जेक्ट होता है और अपनी मेन वर्ब होती है, समझे? मैं वापस बोल रहा हूँ, क्लोज वो होता है जिसके पास अपना सब्जेक्ट होता है और अपना अपनी मेन वर्ब होती है। तो कहने का मतलब, क्लोज वो होता है जिसके पास अपना सब्जेक्ट और अपनी मेन वर्ब होती है। एक क्लोज में एक सब्जेक्ट और एक मेन वर्ब होना कंपलसरी है। अगर किसी भी क्लोज में सब्जेक्ट मेन वर्ब नहीं है, बेसिकली नॉर्मल मेन वर्ब नहीं है, तो वो क्लोज नहीं है भाई, उसे फ्रेज कहेंगे हम। तो कहने का मतलब ये है, एक क्लोज में एक सब्जेक्ट होना नेसेसरी है और एक मेन वर्ब होना नेसेसरी है। अब अगर एक बात सोचो, अब एक क्लोज में एक सब्जेक्ट एक मेन वर्ब, तो दूसरे क्लोज में भी एक सब्जेक्ट और एक मेन वर्ब होगा। अब इन दो सेंटेंस को ज्वाइन करने के लिए, इन दो सेंटेंस को कनेक्ट करने के लिए हमें कनेक्टर यानी कंजंक्शन की जरूरत पड़ती है। और कंजंक्शन में कह चुका हूं कि रिलेटिव प्रोनाउन एज ए कंजंक्शन भी काम करता है। तो जैसे, ठीक है, जैसे एक क्लोज में एक सब्जेक्ट एक मेन वर्ब, फिर कनेक्टर लगा दिया, कनेक्टर मतलब कंजंक्शन, तो रिलेटिव प्रोनाउन कंजंक्शन की तरह कार्य करते हैं, फिर दूसरा क्लोज आ गया। अब देखो, रिलेटिव प्रोनाउन कौन कौन से होते हैं? रिलेटिव प्रोनाउन होते हैं हु, पहले देखिए क्या होता है मित्रों को। अब देखिए, सुनना, रिलेटिव प्रोनाउन होता है एक्चुअली में, प्रोनाउन बोल लो, प्रोनाउन आएगा या नाउन आएगा प्लस कंजंक्शन। मतलब, कहने का मतलब है, जो रिलेटिव प्रोनाउन है वो सेंटेंस में या क्लोज में एक नाउन या प्रोनाउन का भी काम करेगा और कंजंक्शन का भी काम करेगा। समझ रहे हो? कैसे करेगा मैं बताता हूं। देखो, पहले देखता हूं रिलेटिव प्रोनाउन कौन कौन से होते हैं। रिलेटिव प्रोनाउन कौन कौन से होते हैं, देखिए, रिलेटिव प्रोनाउन हु होता है, हुम होता है, विच होता है, देट होता है, और हुज होता है, और अपना व्हाट होता है। टुडे वी विल डिस्कस ओनली टू रिलेटिव प्रोनाउन, हु एंड हुम। सो वी विल डिस्कस हु एंड हुम, हु एंड हुम। देखिएगा, देखिए हु और whom। As you know, who used for person, मतलब who को हम यूज करते हैं person के लिए और whom को भी यूज करते हैं हम person के लिए। अगर सेंटेंस में who और whom relative pronoun का काम कर रहे हैं, तो who as a subjective case काम आता है, एक जो subject बनता है, and whom होता है वो as object की तरह कार्य करता है। समझ रहे हो? आगे बताऊंगा, ये तो एक नॉर्मल सी बात होती है, फिर कैसे करता है, क्यों करता है, वो मैं आगे बताऊंगा, ठीक है? तो हु यूज होता है पर्सन के लिए और हुम भी होता है पर्सन के लिए, बट हुम ऑब्जेक्टिव की तरह काम करता है और हु सब्जेक्ट की तरह काम करता है, बस फर्क ये है। अब आगे मैं पेज बदल रहा हूं, देखिए मैं कुछ एग्जाम्पल लिख रहा हूं जिसको आपको बनाना है, ठीक है?
देखेगा। आई सो ए, जस्ट सेकेंड, आई सो ए मैन या हुम, हु बोलूं या हुम बोलूं, आई सॉ ए मैन हु या हुम, टॉट अस इंग्लिश, ठीक है। आई सो ए मैन हु या हुम टॉट अस इंग्लिश। दूसरा एग्जाम्पल सेट कर रहा हूं मैं, आई हायर्ड ए, आई हायर्ड ए गाइड, आई हायर्ड ए गाइड हु या हुम यू वांटेड। तीसरा एग्जाम्पल और लिख रहा हूं मैं, फिर वापस डिस्कस करेंगे इनको एक बार के लिए। ओ नो, क्या हो गया? हाँ, यू वांटेड थर्ड नंबर का डिस्कस कर रहा हूं, क्वेश्चन लिख रहा हूं मैं, एक मिनट के लिए देखना। एक बात, द मैन हु या हुम, द मैन हु या हुम यू स्कॉल्डेड, द मैन हु या हुम यू स्कॉल्डेड इज माई फ्रेंड। मैंने तीन क्वेश्चन डाले हैं, हु और हुम, ये तीन क्वेश्चन समझ लो, हु एंड हुम का कॉन्सेप्ट खत्म, जिंदगी में कभी नहीं भूलोगे कहाँ क्या लगाना है। देखिए वापस टर्न कर रहा हूं पेज में, पहला कहाँ लिखा था मैंने, अच्छा ये लिखा था ना, देखो अब सुनना गौर से। मैंने कहा देखो, आई क्या होता है, आई होता है सब्जेक्टिव केस प्रोनाउन का, तो सब्जेक्ट बन गया पार्ट ऑफ स्पीच प्रोनाउन, स होती है मेन वर्ब। व्हेन वी क्वेश्चन टू ए वर्ब, व्हेन यू क्वेश्चन टू ए वर्ब एंड रिप्लाई ऑफ व्हाट एंड हुम, देन वी फाइंड एन ऑब्जेक्ट। कहने का मतलब ये है कि अगर किसी वर्ब से आप व्हाट और हुम का रिप्लाई पूछते हो तो हमें ऑब्जेक्ट प्राप्त हो जाता है, ऑब्जेक्ट मिल जाता है। जैसे मैंने कहा आई सॉ, मैंने देखा, क्या ए, क्या आगे है ए मैन, एक आदमी को देखा, तो क्या का रिप्लाई मिल रहा है ना, व्हाट का रिप्लाई मिल रहा है ना, तो व्हाट का रिप्लाई मिलता है तो ऑब्जेक्ट मिल जाता है। तो ए क्या है, आर्टिकल है अपना, और मैन क्या है, मैन है अपना, ऑब्जेक्ट बन गया, पार्ट ऑफ स्पीच नाउन है, ठीक है। आई सॉ ए मैन, कहने का मतलब समझ रहे हो ना। अब एक चीज समझना, देखो अगर सब्जेक्ट, जैसे सब्जेक्ट आई है अपना, ये आई है और ऑब्जेक्ट ए मेन है, अगर सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट के बीच में एक शब्द में वर्ब हो, सिर्फ एक शब्द में वर्ब हो, तो वो मेन वर्ब होती है, समझ रहे हो। इफ यू वांट टू फाइंड मेन वर्ब, देन वी चूज दैट सब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट, मेन वर्ब इज प्रेजेंट सब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट व्हेन वन वर्ड इज अवेलेबल बिटवीन सब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट, दैट इज कॉल्ड मेन वर्ब। अब देखिए आई सो ए मैन, तो सब्जेक्ट मिल गया और ए मैन के रूप में हमें
मेन के रूप में ऑब्जेक्ट मिल गया, तो मैंने कहा, और सो हमनिंग वर्ब है, तो मैंने कहा था तुम्हें, अगर एक सब्जेक्ट मिल जाता है और एक मेन वर्ब मिल जाता तो एक क्लोज पूरा हो जाता, तो कहने का मतलब ये क्लोज पूरा अपना। अब देखिए हु और हुम को एक बार के लिए छोड़िए, टोट क्या है, मेन वर्ब है, अस क्या है, अब कोई पढ़ा रहा है, टोट हुम किसको पढ़ा रहा है, अस को, ठीक है, तो ये क्या हुआ, ये ऑब्जेक्ट हो गया, पार्ट ऑफ स्पीच प्रोनाउन हो गया, ठीक है। अब टोट वॉट, टोट क्या पढ़ाता हमें, इंग्लिश, ये भी ऑब्जेक्ट हो गया अपना, और ये क्या हुआ, नाउन, समझ में आया, तो कहने का मतलब क्या है? समझ रहे हो, पहला क्लोज तो हमने पूरा कर दिया आई सो ए मेन वाला, लेकिन ये क्लोज पूरा नहीं हो रहा, यहाँ पे हमें मेन वर्ब मिल गई, ऑब्जेक्ट मिल गया, लेकिन सब्जेक्ट गायब है भाई, सब्जेक्ट गायब है, तो मैंने बोला था सब्जेक्ट गायब है। अब यहाँ क्या होता है ना, आई सो ए मैन, ए मैन, हियर ए मैन इज एंटीसीडेंट एंड एंटीसीडेंट क्वालिफाई ऑल टोटल टोटल सेकेंड क्लोज, मतलब कहने का मतलब ए मैन एंटीसीडेंट है ना, उसके बारे में पूरी इंफॉर्मेशन सेकेंड क्लोज में है, तो मैंने मतलब ए मैन क्वालिफाई कर रहा है ना सेकेंड क्लोज को, तो कहने का मतलब, अब देखो हमें चाहिए सब्जेक्ट, तो मैंने बोला था सब्जेक्ट काम करता है हु एज ए सब्जेक्टिव केस, हु काम करता है, हुम एज ए ऑब्जेक्टिव केस करता है काम, तो यहां पर हमें सब्जेक्ट चाहिए था तो हमने हु चूज कर लिया। अब दूसरा देखिए, ये मिट गया लगता है, एक मिनट चेंज कर रहा हूं मैं, वन मिनट, देखिए आई हायर्ड ए I hired a guide. अब देखें, सुनना, ध्यान से सुनना, I hired a guide who या whom you wanted, who या whom, who needed लिख दो भाई, या needed लिख दो, इधर देखना, I hired a guide, मैंने एक हायर किया, मतलब हायर किया किसको, whom, हायर से whom का रिप्लाई मिल रहा है तो ऑब्जेक्ट मिल गया, आई hired a गाइड who या whom यू needed, अब सुनना, आई क्या है, आई अपना है सब्जेक्ट, पार्ट ऑफ स्पीच प्रोनाउन, hired क्या है मेन वर्ब, ए क्या आर्टिकल, गाइड क्या ऑब्जेक्ट, पार्ट ऑफ स्पीच नाउन, मैंने कहा था सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट के बीच में एक शब्द में अगर नाउन है, एक शब्द में वर्ब है तो वो मेन वर्ब होती है। अब इधर देखिए, हु या हुम को एक बार के लिए स्किप करिए, यू क्या है सब्जेक्ट, पार्ट ऑफ स्पीच प्रोनाउन, नीडेड क्या है मेन वर्ब। अब तुम सुनना एक बार, ये पहला वाला क्लोज पूरा होता हो रहा, आई हायर्ड ए गाइड, इसमें आई सब्जेक्ट बन गया, हायर्ड मेन वर्ब बन गई, ठीक है, तो ये क्लोज तो पूरा हो गया, लेकिन यहाँ पर सब्जेक्ट हु और हुम के आगे वाले क्लोज में यू हमारे सब्जेक्ट मिल गया और नीडेड मेन वर्ब मिल गया, लेकिन हमारे ऑब्जेक्ट नहीं मिला, तो कहने वाला ऑब्जेक्टिव एज ए ऑब्जेक्टिव केस वी यूज हुम, ऑब्जेक्टिव केस के लिए हुम चाहिए, हु होता है सब्जेक्टिव केस के लिए। एक बात चीज सुन लो, अगर हमें सब्जेक्ट, अगर सेंटेंस में सब्जेक्ट मिसिंग है तो हु का यूज कर लेंगे और ऑब्जेक्ट मिस है तो हुम का यूज कर लेंगे। अब अगला क्वेश्चन देखिए, देखिए द मैन हु या हुम यू स्कोल्डेड इज माई फ्रेंड, अब कहने का मतलब क्या है, द मैन हु या हुम यू स्कोल्डेड, एक बार के लिए सुनिएगा, द क्या है आर्टिकल, मैन क्या है सब्जेक्ट और पार्ट ऑफ स्पीच नाउन, हु या हुम को स्किप करिए एक बार के लिए, यू क्या वापस सब्जेक्ट और पार्ट ऑफ स्पीच प्रोनाउन, अब यू के लिए हमें वर्ब मिल गए, यू के लिए हमें वर्ब मिल गई स्कोल्डेड, तो कहने का मतलब ये क्लोज पूरा हो गया, ये क्लोज तो पूरा हो गया, क्योंकि जिस एक क्लोज में एक सब्जेक्ट एक मेन वर्ब नेसेसरी है, तो ये क्लोज तो पूरा हो गया, नॉर्मल सी बात है। अब मैंने कहा अगर द मेन आगे हु या हुम सीधा दे दे तो एक टाइम के लिए उसकी वर्ब आगे मिलती है, एक टाइम के लिए वो क्लोज रुक जाता है तो ये भी क्लोज, द मेन यहाँ पर मेन सब्जेक्ट मिल गया, अब हमें वर्ब चाहिए तो वर्ब इज है ना, ये बची हुई इज है ना, तो ये लिंकिंग वर्ब होती है एक्चुअली में, इज एम ओ आर वॉज वर्ब, अगर मेन वर्ब का काम करे क्लोज में या सेंटेंस में तो लिंकिंग वर्ब होती है, और लिंकिंग वर्ब ऑब्जेक्ट नहीं लेती, लिंकिंग वर्ब अपना सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट बनता हो लिंकिंग वर्ब के लिए, तो फ्रेंड क्या अपना
सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट और पार्ट ऑफ स्पीच नाउन। अब सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट नाउन बन सकता है, प्रोनाउन बन सकता है और एडजेक्टिव बन सकता है। सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट का काम नाउन, प्रोनाउन और एडजेक्टिव कर सकता है, जैसे ऑब्जेक्ट का काम नाउन और प्रोनाउन करता है। बस एक चीज और जोड़ लीजिए, सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट का काम नाउन, प्रोनाउन और एडजेक्टिव करता है। लिंकिंग वर्ब और माई हो गया अपना पजेसिव एडजेक्टिव। ठीक है बॉस, अब कहने का मतलब क्या है, इधर द मेन यू स्कोल्डेड, यू स्कोल्डेड हमें सब्जेक्ट मिल गया, मेन वर्ब में इज माई फ्रेंड, तो यहां पर सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट भी मिल गया। अब कहने का मतलब क्या है, यू स्कोल्डेड, यू स्कोल्डेड, यू स्कोल्डेड, तुमने डांटा किसको, तो ऑब्जेक्ट गायब है, तो कहने का मतलब यहां तो सीधा मिला यू स्कोल्डेड हुम, तो यहां पर तो सीधा ऑब्जेक्ट गायब है, तो हुम कर दो, वो कैंसिल कर दो। इज दैट क्लियर? आई थिंक ऑल द कॉन्सेप्ट इज क्लियर। वी विल मीट नेक्स्ट टाइम एंड नेक्स्ट टाइम वी विल डिस्कस विच एंड दैट, विच एंड दैट। अगली क्लास में हम विच और दैट को डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू, और ज़्यादा से ज़्यादा इस चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और लाइक करें, और जो घंटे का निशान है उसको दबा दें ताकि आने वाली नोटिफिकेशन अगला वीडियो आए तब मिल जाए टाइम पर।